अल्लाहमे स्टूडेंट आयम अब्दुल्कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट वन की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है जिसमें आज हम एक्सरसाइज टन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर फाइव डिस्कस करेंगे इंतहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कहते जी शो डेट काज अल्फ़ा प्लस बीटा इन टू काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज स्केर अल्फा माइनस स्केयर बीटा इज इक्वल टू काज स्केर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा सो डिस हमने प्रूफ करना है सो so, डिसेंस मैं कंसीडर कर लेता हूं सॉल्यूशन कंसीडर काज अल्फा प्लस बीटा इनटू काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू यहां पे इनके मैं फॉर्मूलाज ओपन करूंगा सो so, देखें काज अल्फा काज बीटा प्लस का होगा तो माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा ये आ गई मेरे पास इन टू यहाँ पर हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे सो काज अल्फा काज बीटा प्लस यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये आ गई मेरे पास सो so, डिस देखें यहाँ पर तो काज अल्फ़ा प्लस बीटा काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यह मेरे पास इक्वल होगा काज अल्फा काज बीटा का होल स्केर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्केयर याद देखे ना ए स्केर माइनस बी स्केयर किसकी इक्वल होता है जी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के तो यहां पे भी देखिए डिफरेंस काज अल्फा काज बीटा ए है और माइनस साइन अल्फा साइन बीटा जो है वो बी है सो ए माइनस बी इन टू ए प्लस बी ठीक है जिस साइन का डिफरेंस है तो ये मेरे पास इसकी इक्वल होगा नेक्स्ट <laughs> मेरे पास आएगा जी स्केल इनका ओपन करें तो so, मेरे पास आएगा का जी काज स्केर अल्फा का स्केर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइंस केयर बीटा आ गया अब इस हमने प्रूव क्या करना है मैंने ना इसी को ही आगे जो है ना वो कंसिडर करना है तो इसको मैं कोई इक्वेशन स्टार का नाम दे देता हूं ठीक है जी अब इसे देखिए मैंने प्रूव क्या करना है जी काज केयर अल्फा आना चाहिए माइनस साइंस केयर बीटा आना चाहिए सो यहां पर क्या करता हूं कॉस केयर अल्फा एज इट इज और का दूंगा जो कि मेरे पास होगी जी वन माइनस साइन स्केर बीटा अब जब अल्फा इससे मल्टीप्लाइंग इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी माइनस साइन बीटा साइन बीटा से मुराद है कि यहां पे साइन बीटा एज इट इज रहेगा और साइन अल्फा की वैल्यूज मैं क्या करूंगा पुट कर दूंगा सो साइन अल्फा की वैल्यू होगी जी वन माइनस काज ऑफ कायर अल्फा साइन स्केर बीटा असल में हमने ये फार्मूला नहीं पढ़ा हुआ नाइन्थ चैप्टर में साइंस केयर थीटा प्लस कॉस केयर थीटा इज इक्वल टू वन है तो अगर हमें कॉज की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते हैं जी साइन को उठाकर उधर ले जाते हैं वन माइनस साइंस केयर थीटा होता है जी इसी तरह अगर हम साइन की वैल्यूज निकालना चाहें तो साइंस केयर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा जी वन माइनस कॉस केयर थीटा होता है सो so, ये वैल्यू फार्मूलाज uh, हम नाइन चैप्टर के अंदर बड़ी डिटेल के साथ पढ़ के आ चुके हैं सो so, यहाँ पे एंगल जो भी थे उसके रिस्पेक्ट के अंदर मैंने इनको लिख लिया अब मैं क्या करता हूँ जी इसको अंदर मल्टीप्लाइंग करवा देता हूँ सो so, मेरे पास आएगा का जी का स्केयर अल्फा वन के साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा माइनस साइंस स्केयर बीटा का स्केयर अल्फा माइनस मल्टीप्लाइंग कराएं इसको माइनस साइन स्केयर बीटा माइनस माइनस प्लस सो साइंस स्केयर बीटा कॉज स्केयर अल्फा यह आ मेरे पास सो जिस देखें यहाँ पे ये माइनस का प्लस का कैंसिल आउट सो मेरे पास आ गया जी कॉज स्केर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा इसको मैं इक्वेशन नंबर वन का नाम दे देता हूँ ठीक है जी अगेन हम कंसीडर करते हैं जी अगेन कंसीडर कंसीडर इक्वेशन स्टार सो इक्वेशन स्टार को मैं अगेन कंसिडर करूँगा सुबह जी मेरे पास काज अल्फ़ा प्लस बीटा काज अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज केयर अल्फा काज केयर बीटा माइनस साइंस केयर अल्फा साइंस केयर बीटा ये आ गए अब देखें यहां पे एक हमने देखे का स्केर अल्फा माइनस कायर बीटा प्रूव कर अब यहां पे देखिए कास स्केयर बीटा है तो इससे कि मेरा एज इट इज और आ, कास अल्फा की हम वैल्यूज क्या करेंगे जी पुट कर देंगे सो तो इसकी वैल्यूज क्या होगी अकॉर्डिंग दिस फार्मूला सो मेरे पास है कि जी वन काज है तो वो, वन माइनस साइन स्केयर अल्फा होगी और का स्केयर बीटा एज इट इज माइनस यहां पे आगे साइंस स्केयर अल्फा है सो साइंस केयर अल्फा एज इट इज सो so, मैं वैल्यूज पुट कर दूँगा वन माइनस कॉस स्केयर बीटा की जगह पे ये वैल्यूज पुट करते अब डिशेंस मल्टीप्लाइंग करवा दें सो so, वन से जब मल्टीप्लाइंग होगा कॉस स्केयर बीटा से मेरे पास आएगा जी कॉस स्केयर बीटा ही आ जाएगा माइनस साइंस केयर बीटा सॉरी साइंस केयर अल्फा कॉज केयर बीटा माइनस साइंस केयर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस सो साइन स्केयर अल्फा स्केयर बीटा सो डिस प्लस का माइनस का कट के इज इक्वल टू कॉस केयर बीटा माइनस साइंस केयर अल्फा इसको मैं इक्वेशन नंबर टू का नाम दे देता हूं ठीक है जी सो डिस फ्रॉम वन एंड टू फ्रॉम वन एंड टू सो आपने यही स्टेटमेंट लिख देनी है आगे हमारे पास ये प्रूव हो गया जी कि काज काज अल्फा प्लस बीटा काज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू काज केयर अल्फा माइनस साइंस केयर बीटा इज इक्वल टू काज केयर बीटा माइनस साइंस केयर

सो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास इक्वल होता है जी साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फ़ा साइन बीटा आ गया जी मेरे पास ठीक हो गया जी प्लस साइन अल्फा की वैल्यूज पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस माइनस बीटा की सो so, मेरे पास इसका फार्मूला होता है जी साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा ये आगे और डिसेंस डिनोमिनेटर के अंदर हम काज की जो आइडेंटिटीज हैं उनके फार्मूलाज ओपन करेंगे सो काज काज अल्फा काज बीटा माइनस प्लस का होगा तो माइनस साइन अल्फा साइन बीटा प्लस यहां पे हम इसका फार्मूला ओपन करेंगे जी काज अल्फा काज बीटा प्लस माइनस का होगा तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा ये आ गए माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा कैंसल आउट इसी तरह डिस्टेंस माइनस का काज अल्फा साइन बीटा प्लस का काज अल्फा साइन बीटा कैंसल आउट सो इज इक्वल टू मेरे पास आएगा जी साइन अल्फा प्लस काज बीटा प्लस साइन अल्फा काज बीटा ये मेरे पास आएगा जी टू साइन अल्फा काज बीटा

सेवन है इसके हमें तीन पार्ट दिए गए वन आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा पार्ट नंबर वन है ये हमारे पास काट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू काट अल्फा काट बीटा माइनस वन डिवाइडेड बाई कार्ड अल्फा काट बीटा सो डिस मैंने यहां पे राइट हैंड साइड को कंसीडर कर लिया जी लेफ्ट हैंड साइड में प्रूफ करूंगा सो so, डिस यहां पे हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे सो so, यहां पर हम कार्ड की रेशियो यूज करेंगे हमें पता है कि काट जो कार्ड की जो रेशियो है वो हमारे पास होती है जी अगर एंगल अल्फा है तो काज अल्फा ओवर साइन अल्फा ये इसकी रेशियो है इन टू बीटा के लिहाज से भी हम इसकी ओपन करेंगे सो काज बीटा ओवर साइन बीटा माइनस वन होल डिवाइडेड बाय अगेन यहां पे हम इसकी जो रेशियो है वो ओपन करेंगे सो काज अल्फा ओवर काज सॉरी साइन बी अल्फा प्लस यहाँ पे बीटा है तो कास बीटा ओवर साइन बीटा ये आ जाएगा जी मेरे पास ठीक गया जी अब इसमें यहाँ पे हम इसके एलसीएम ले लेते हैं सो मैं जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा जी साइन अल्फा साइन बीटा ये आ गया जी, जी। न्योमी रेडर का एलसीएम और काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा ये आ गई जी मेरे पास होल डिवाइडेड बाय अब डिश यहां पे अगेन हम इसके एलसीएम लेंगे तो ये मेरे पास आएगा जी साइन बीटा काज अल्फा प्लस साइन अल्फा काज बीटा ये आ जाएगा जी मेरे पास डिवाइडेड बाय ये डी नोमिनेटर का मेरे पास आ गया जी एलसीएम साइन अल्फा साइन बीटा ये आ गया डिस्टेंस so, ये इससे कैंसल आउट हुआ बाकी मेरे पास आ जाएगा जी काज अल्फा काज बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इसको मैं रीअरेंज कर लेता हूं। इसको मैं लिख लेता हूं जी साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा ये आ इसको मैंने पहले लिख लिया इसको मैंने बाद में लिख लिया ताकि मेरे पास फार्मूला बन जाए सो ये मेरे पास फार्मूला आ गया जी देखें काज अल्फ़ा माइनस का होगा तो यहाँ पे प्लस डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा इनके फार्मूलाज ओपन करें तो यही फॉर्म बनती है इसको मैं लिख सकता हूँ काट अल्फ़ा प्लस बीटा की रेशो क्योंकि काज ओवर साइन की रेशो आ चुकी है सो डिस काट के इक्वल जो भी एंगल होगा ये वहां पे यूज होगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड सो देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपके पास टू है इसका क्वेश्चन नंबर सेवन का पार्ट नंबर टू है इसके अंदर आपने करना क्या है सोल्यूशन यहां से लिया यहां पे देखें प्लस का है तो यहां पे माइनस आ गया यहां पे आपके पास प्लस का है तो इधर आपके पास माइनस का आ गया ठीक हो गया जी अब इसी तरह डिसेंस यहाँ पर हमने जो राइट हैंड साइड कंसीडर किया वो प्लस की है और ये वाली मेरे पास माइनस की है सो ये मैं प्लस की ले रहा हूँ और ये मेरे पास क्या आ जी बाकी काम सेम है जस्ट साइन में चेंज कर रहा हूँ सो ये भी आपके पास प्लस आ जाएगा और ये मेरे पास क्या आ जाएगा जी माइनस का आ जाएगा सो डिस यहाँ पे आपके पास आएगा जी प्लस का और यहाँ पे आपके पास आएगा जी माइनस का जब आप इसको क्लोज करेंगे तो आपके पास ये फॉर्म माइनस के अंदर आएगी और ये साइन के अंदर ऑलरेडी माइनस का है सो यहाँ पे जो रेशियो आएगी वो आपके पास आ गई जी सो ये था पार डिस्टेंस पार्ट नंबर टू यहाँ पे सॉल्ट आउट हुआ अब हम चलते हैं पार्ट नंबर थ्री की जान जी तो डिस्टेंस हमारे पास पार्ट नंबर थ्री हैल्फा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा माइनस टेन बीटा इज इक्वल टू साइन प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा सो डिटेंस मैंने लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लिया सो so, डिस्टेंस हम यहाँ पे इसको सॉल्व आउट करेंगे सो so, इधर हम टेन की रेशियो को यूज करेंगे सो so, टैन की रेशियो होती है मेरे पास साइन ओवर काज की ठीक है जी प्लस यहाँ पे भी एंगल बीटा है तो इसके लिहाज से भी साइन बीटा ओवर काज बीटा यह आ गई मेरे पास डिवाइडेड बाय यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी हम इसकी रेशो यूज करेंगे सो साइन अल्फा ओवर काज अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर काज बीटा ये आ जाएगा छोटी कैल्सियम ले लेते हैं सो so, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो so, मेरे पास आएगा जी साइन अल्फा काज बीटा प्लस ये इसके साथ जब मल्टीप्लाइंग होगा सो मेरे पास आएगा जी काज अल्फ़ा साइन बीटा और नियोमी रेटर का जो एलसीएम है वो आ गया जी मेरे पास काज अल्फ़ा काज बीटा इसी तरह डिसंेंस नियोमी रेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं सो मेरे पास आएगा जी साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फ़ा साइन बीटा और डिनोमिनेटर कैल्सियम भी आ गया मेरे पास काज अल्फा काज बीटा ठीक गया जी so, distance, इसको इसके साथ मल्टीप्लाइंग करवाएं इसको इसके साथ डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ इसी तरह हमने निनोमिनेटर में भी किया सो इससे कैंसल आउट सो बाकी मेरे पास क्या बच गया जी साइन अल्फा काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा कास बीटा माइनस साइन अल्फा काज बीटा सो डिटेंस ये मेरे पास आ गया जी साइन अल्फा प्लस बीटा और साइन अल्फा माइनस बीटा का इक्वल क्योंकि ये हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी के डिडक्शन है सो so हम इसको इसकी इक्वल लिख सकते हैं जो कि हमारे पास है जी राइट हैंड साइड सो देखें काज अल्फा, काज बीटा प्लस काज अल्फा साइन बीटा है. इसी तरह साइन अल्फा काज बीटा माइनस साइन काज बीटा सो ये हमारे पास डिडक्शन है तो ये हम इसकी इक्वल लिख सकते हैं जो कि हमारे पास है जी राइट हैंड साइड सो जिसमें ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन अगर किसी भी स्टूडेंट्स का इन क्वेश्चंस के अबाउट किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछे इन शाला तबारक ताली में आपको जरूर प्लाए दूँगा अपनी दुआ में याद रखिएगा इन शाला तबारकाली जिंदगी में वफा किसी चैनल पर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी तब तक के लिए इजाजत दीजिए असल